रूस ने जारी किया है मार्कर यूजीवी का वीडियो। अनमैन्ड व्हीकल से डमी टारगेट पर सटीक निशाना लगाया गया। एंटी टैंक मिसाइल दागकर व्हीकल की ताकत दिखाई गई। रूस के पूर्व पीएम दिमित्री रोगोजिन ने इस वीडियो को जारी किया। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे को लेकर रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। बाखमुत से लेकर जैपोरिजिया तक रूस और यूक्रेन की बारूदी सुनामी जारी है। रूसी सेना अपने विध्वंसकों से यूक्रेनी सेना पर बारूद की बारिश कर रही है। इसी विध्वंसक प्रहार के बीच रूस ने मार्कर एंटी टैंक रोबोटिक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल का वीडियो जारी किया है। रूसी सेना ने अनमैन्ड व्हीकल से डमी टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। रूसी सेना ने एंटी टैंक मिसाइल दागकर व्हीकल की ताकत दिखाई। रूस के पूर्व पीएम दिमित्री रोगोजिन ने अनमैन्ड व्हीकल के हमले का वीडियो जारी किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमले में डमी टारगेट का क्या हाल हो गया, घर के परखचे उड़ गए। रूस ने वीडियो जारी कर ये बताया है कि मार्कर यूजीवी के हमले में ऐसे ही यूक्रेनी टैंकों के परखचे उड़ जाएंगे। रूस ने अनमैन्ड व्हीकल से हमला कर दुनिया को उसकी ताकत दिखाई है और बहुत जल्द मार्कर यूजीवी को यूक्रेन में उतारेगा। और इधर नेटो कमांड सेंटर पर हुए हमले को लेकर अमेरिका ने बड़ा शक जाहिर किया है। रूस ने किंजल मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया था जिसमें कई अधिकारी मारे गए थे। रूस यूक्रेन जंग में पश्चिमी देशों का दखल हालात को हर दिन बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यूक्रेन में नेटो कमांड सेंटर पर हुए हमले को लेकर अमेरिकी मीडिया ने बड़ा सवाल खड़ा किया। शक है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए रूस ने किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूसी स्ट्राइक में दर्जनों नेटो अधिकारियों के मारे जाने की भी अटकलें हैं। दरअसल रूस ने पिछले महीने की शुरुआत में यूक्रेन में एक अंडरग्राउंड नेटो कमांड सेंटर पर अटैक किया था जिसमें दर्जनों पश्चिमी देशों के अधिकारियों और सैन्य कर्मियों को मार गिराने का दावा किया गया था। इसे एक इमारत के भी बुरी तरह से जलने का दावा किया गया था। इधर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि उन साइट्स को तैयार करने का काम तेज कर दिया गया है। इससे पहले अपने एक बयान में राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्होंने 1990 के दशक में बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किए जाने वाले अधिकांश स्थलों को संरक्षित किए जाने का आदेश दिया था। ये वो जगह है जहाँ पर परमाणु हथियारों को बेलारूसी क्षेत्र से रूस में हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्या पुतिन की सेना जंग के मैदान में पिछड़ चुकी है? क्या रूसी सैनिक बहुत तेजी से मारे जा रहे हैं? पुतिन ने जो फैसला लिया है उससे तो यही जाहिर हो रहा है। देखिए ये सनसनीखेज खबर। यूक्रेन पर किसी भी कीमत पर फतह हासिल करने को आमादा रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 147,000 और सैनिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। यूक्रेन से जारी युद्ध में रूस को सैनिकों का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन के साथ शुरू हुए युद्ध में रूस ने अब तक 6,94,000 सैनिक खो दिए हैं। 1,73,000 सैनिक मारे गए हैं जबकि 5,20,000 बुरी तरह से जख्मी हुए हैं कि वापस युद्ध के मैदान में जाने लायक नहीं बचे हैं। ये दावा किया है यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज ने जिसका कहना है कि इस युद्ध में पुतिन ने अपने 9,00,000 सैनिकों में से 77.2% सैनिकों को खो दिया है। पुतिन विरोधी मीडिया हाउस मेडूजा ने दावा किया है कि 1,47,000 सैनिकों की भर्ती 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक चलेगी। मेडूजा के मुताबिक भर्ती किए जाने वाले सैनिकों की उम्र 18 से 27 साल के बीच होगी। रूस 2024 से सैनिक भर्ती की अधिकतम उम्र 27 से बढ़ाकर 30 करने जा रहा है जबकि न्यूनतम उम्र की सीमा 18 से बढ़ाकर 21 की जाएगी। इससे पहले पिछले साल सितंबर में पुतिन ने मोबिलाइजेशन के जरिए 3,00,000 सैनिकों की भर्ती का रास्ता खोला था जिसका काफी विरोध हुआ था और सैकड़ों रूसी दूसरे देशों को पलायन कर गए थे।